हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द पॉपकॉर्न फैमिली। आज के इस व्लॉग में ले चलेंगे सनराइज दिखाने के लिए सीतापुर बीच पर और थोड़ी सी मस्ती करने के लिए अभी तक के सबसे अलग भरतपुर बीच पर। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि हमारे सारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज की सुबह बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हम सुबह 4 बजे उठकर यहाँ सीतापुर बीच पर आए हैं सनराइज देखने के लिए। रात तक सोते समय बच्चे सनराइज देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन बीच पर और पूल में दिन भर की मस्ती के बाद वो इतना थक गए कि सुबह उठ ही नहीं पाए और सनराइज देखने के लिए मना कर दिया। तो हमने बच्चों को सोते हुए रिजॉर्ट में ही छोड़ दिया और एक स्कूटर उठाया और पहुंच गए नील आइलैंड के सनराइज पॉइंट सीतापुर बीच पर। वहां हमने चाय पी, क्योंकि सनराइज अराउंड 5:30 पर होता है, लेकिन हम 4:30 पर ही सीतापुर बीच पहुंच गए। वहां बहुत लोग थे जो सुबह का ये नज़ारा देखना चाहते थे। हमने अपना गोप्रो कैमरा सेट किया ताकि हम सनराइज का एक भी पल मिस ना कर दें। यकीनन सनराइज का जो नज़ारा था देखते ही बनता था। दूर पानी में से निकलता सूरज और उसकी सुनहरी किरणें, इस सुंदरता और एहसास को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। सनराइज के साथ साथ हमें ये ऑक्टोपस भैया सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए मिले। काश हमारे बच्चे भी साथ होते तो ये ऑक्टोपस भैया को देखकर बहुत खुश होते। और अब हम सनराइज देखने के बाद अपने रिजॉर्ट की तरफ चल दिए। सीतापुर बीच से रिजॉर्ट तक का रास्ता बहुत ही सुंदर दिखता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और जैसे ही हम विला की तरफ गए, हमने देखा बच्चे पहले ही स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम भरतपुर बीच के लिए निकल पड़े। सो गाइस, अभी हम भरतपुर बीच में जा रहे थे अपने स्कूटर के साथ। हमने यहाँ पे देखा कि हमारी ऑनलाइन टिकट्स बुक नहीं हो रही थी फेरी की, तो हमने एक फेरी ली है, फेरी जिसका नाम है भूल गया, लेकिन उसमें हमारा मेजेस्टिक क्लास है, सबसे हाईएस्ट वाला। तो ये है सारे के सारे बुकिंग ऑफिसेस, फेरी ऑफिसेस, यहाँ पे बुकिंग करते हैं। और हमारी पार्किंग वहाँ, हम वहाँ देख रहे हो, वहाँ पे एक रास्ता है, वहाँ से हम जाएंगे भड़कपुर बीच, ऐसे नाम है। तो चलो, वो डैडी पहुँच गए, चले चलो, अब हम आपको भड़कपुर बीच में मिलेंगे। बाय। अब हम रास्ते में आ गए भड़कपुर बीच के। भड़कपुर बीच ही है ना? भरतपुर, भड़कपुर नहीं, भरतपुर, भरतपुर बीच। डैडी भड़क गए।
से जा रहे हैं, ये थोड़ा कच्चा रास्ता है, देखो डर भी लग रहा है। वो देखो पॉन्ड, और हम पहुंच गए हैं भरतपुर बीच। ना तो अभी हम जा रहे हैं भरतपुर बीच में, हमने शॉर्टकट लिया है, छोटा सा रास्ता, मतलब शॉर्टकट लिया था, कच्चा रास्ता है जंगल जैसा। तो अभी मम्मा और नियो आगे है, हम पीछे हैं, हम पहुंच गए। ये रहा भरतपुर बीच, बहुत अच्छा यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, रेस्टोरेंट में खाना खा लेंगे ना। तो बताओ इस बीच के बारे में डैडी जी। डैडी जी, ये बीच है, इसका नाम भरतपुर बीच है। यूट्यूब सही बोलते हैं। मम्मा अभी आई, स्कूटर चलाते हुए ब्रेक मारा, नहीं पैसे रोकने लगते मम्मा ऐसे। अब हम बीच में थोड़ा सा इधर घूम के बीच में जाते हैं और आपको दिखाऊंगा कि कैसा व्यू है। तो अभी हम पहुंच गए हैं भरतपुर बीच में। ये बीच बहुत साफ नहीं है, यहाँ गंदगी तो बहुत है, पत्ते वगैरह, लेकिन अंदर तक आप देखोगे तो बहुत ब्लू है। ये बिल्कुल डॉक के साइड में, यहाँ पे फेरी जा रही है। हम यहाँ पे थोड़ा सा इधर घूमेंगे, यहाँ पे चेंजिंग रूम है जिससे आप अंदर जा सकते हो, तैर सकते हो, और यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटीज होती है, जैसे एलिफेंट बीच में होती थी, जैसे कि स्नॉर्किंग और भी बहुत सारी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह जैसे, बट ये मुझे अच्छा लगा, उस हिसाब से लाइफ भी सा है ज़्यादा, और शॉप्स भी है, खाने का भी है, रेस्टोरेंट, और बीच भी क्लियर है, तो फिर थोड़े पत्ते तो आई थिंक अवॉइडेबल है, क्यों यहाँ तो पेड़ भी बहुत है ना, तो उनके पत्ते तो गिरेंगे यहाँ। कचरा नहीं है, पत्ते हैं। आपको बहुत अच्छी वाली वार्निंग बताता हूँ, यहाँ पे नो फ्लाई जोन, आप यहाँ से उड़ नहीं सकते, नो परमिशन, नो टेक ऑफ। ओके, अगर आप ऐसे मेरी तरह से उड़ जाओगे तो आपको 500,000 का फाइन लगेगा। 500,000 हमने भरतपुर बीच पर बहुत मजा किया, क्योंकि मस्ती करने के लिए हम पानी के अंदर बहुत दूर तक गए। पर आप लोग जब भी जाओ तो टाइड का टाइम चेक कर लेना, क्योंकि लो टाइड के टाइम ये बीच कुछ ऐसा दिखता है।
शाम को सनसेट देखने के लिए हम अपने रिजॉर्ट से पैदल ही कुछ दूरी पर लक्ष्मणपुर वन बीच के सनसेट पॉइंट पर पहुंच गए। और यहाँ भी भरतपुर बीच की तरह मानो मेला लगा हुआ था। सनसेट देखने के लिए वहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे। पानी में डूबता हुआ ये आग का गोला अमेजिंग लग रहा था। सनराइज और सनसेट के टाइम पर चाय पीने का मज़ा कुछ और ही है, और ये मज़ा हमने भी लिया। नील आइलैंड की आखिरी शाम हमने लक्ष्मणपुर वन बीच पर सनसेट देखते हुए निकाली, और यकीन मानो नील आइलैंड के सफर में ये आखिरी शाम चार चांद लगा रही थी। अंडमान आने से पहले हमें कुछ फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि आप नील आइलैंड को स्किप कर सकते हैं क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन हमारी मानो तो नील आइलैंड को कभी भी स्किप करने की भूल ना करें। हम लोगों ने यहाँ बहुत इन्जॉय किया, जैसे कि सीतापुर बीच, भरतपुर बीच, लक्ष्मणपुर वन बीच, सभी बीच अपने आप में अलग हैं। और इसी के साथ हम इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, और अगले ब्लॉग में हम आपको ले चलेंगे आईटीटी मैजेस्टिक फेरी में नील आइलैंड से वापस पोर्ट ब्लेयर के सफर में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सफर फिर, और तब तक के लिए चिल मारो लाइक द पॉपकॉर्न फैमिली।